पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक किन्नू दी बर्फी ते काम किया, एक टेक्नोलॉजी डिवेलप की है, क्योंकि सानू पता है कि किन्नू जड़ा फ्रूट है ये बहुत ज़्यादा साढ़े पंजाब च बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो किन्नू फ्रूट की देखो जूस तो आप बना ही रहे हैं, किन्नू फ्रूट दियाँ बहुत सारिया बैवरेजिज असी बनाने हैं, बट उस तो इलावा भी साड़ी एक डिमांड होंगी है कि सानू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स होने चाहिए हैं जेडे कि असी बना सकीए किन्नू तो, क्योंकि किन्नू की प्रोडक्शन बहुत सारी हैगी है। हर टाइम तो आप जूस नहीं पसंद करते, हर टाइम असी जैम जैली नहीं पसंद करते, तो असी कहने कि ज़्यादा अपना टेस्ट जड़ा अपना पंजाबियों का भी तो कह दो हिंदूस का भी इंडियंस का भी एक टेस्ट हैगा कि असी स्वीट्स बहुत पसंद करते हैं, है ना। तो आप एक प्रोडक्ट बनाया जड़ा कि किन्नू बर्फी सी। किन्नू बर्फी का मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिदे विच असी किन्नू जूस होवे और नाल वह बर्फी की फॉर्म च भी होवे। तो तुसी देखा होएगा कि जिन्निया बर्फियाँ होंदियाँ वो सारिया मिल्क बेस्ड बर्फियाँ होंदियाँ, खोए तो बर्फी बनती है, आपां तां ही उन्हूं बर्फी कहने आ, मोस्टली जिहड़ी स्वीट हुंदी है। पर जदों असी इह प्रोडक्ट बनाया सानूं काफ़ी औकड़ां भी आईयां, क्योंकि तुहानूं पता है कि जदों जिहड़ा किन्नू है किन्नू दे विच खटास भी हुंदी है ते मिठास भी हुंदी है। जदों आपां खटास उहदे च खट्टापन होएगा ते उह तुहानूं पता ही है कि दुध च जदों ही आपां किन्नू दा जूस पावांगे या किन्नू दा पल्प बना के पावांगे उहदी खटास नाल नाल ही दुध फट जाएगा। जदों दुध फट जाएगा तो पनीर बन जाएगा, पनीर तो आपां नूं रिक्वायर्ड नहीं है ना। असी तां इदां दा प्रोडक्ट बनाना चाह रहे सीगे कि जिहड़ा बिल्कुल सानूं बर्फी दी फॉर्म च देवे।